जब भी हम बिंग पर अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ हम सबके दिमाग में हमेशा आती है कि कैसे हम कम से कम पैसे स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक जनरेट करें। तो उस केस में डेफिनेटली आपको अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने पे फोकस करना है। आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी टिप्स जिनको यूज़ करके अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल बताऊंगा, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो में ऊपर आई बटन दे दूंगा, तो वीडियो जाके देख लेना। तो अगर आपको यहाँ पर मैं एकदम आसान भाषा में बताऊँ तो क्वालिटी स्कोर का मतलब होता है कि बिंग आपकी एड को 1 से लेकर 10 के बीच में एक स्कोर देता है कि आपकी एड कितनी अच्छी है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जो भी एड कॉपी आप क्रिएट कर रहे हो और जो भी आपका कीवर्ड है वो दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई फैट लॉस ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, तो जो आपने कीवर्ड यूज़ करा है वो है कीटो कीवर्ड, और जो आपने एड कॉपी क्रिएट करनी है उसके अंदर भी कीटो वर्ड या कीटो टर्म आना चाहिए। इससे क्या होगा, रेलिवेंसी इंक्रीज होगी, और रेलिवेंसी इंक्रीज होगी तो आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा, और क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा तो सीपीसी आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब कि आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो एक क्लिक के लिए वो कम हो जाएगी, तो आपको कम पैसों में ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो इस चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपको वही एड कॉपीज यूज करनी है जिसका सीटीआर ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एड कॉपीज को आपको टेस्ट करना है, बिकॉज जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी एड कॉपी अच्छी वर्क कर रही है, किस पे ज्यादा सीटीआर आ रहा है, और कौन सी एड कॉपी अच्छी वर्क नहीं कर रही है। तो जो अच्छी वर्क नहीं कर रही आपको उसे हटा देना है, और जो अच्छी वर्क कर रही है आपको उसे रख लेना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो एक एड कॉपी क्रिएट करते हैं और पूरी जिंदगी भर वही एड कॉपी यूज करते रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ज्यादा से ज्यादा एड कॉपीज को टेस्ट करना है, बिकॉज जितनी ज्यादा एड कॉपीज को आप टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको सीटीआर मिलेगा और आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। जो थर्ड टिप है वो ये है कि जो आपने लैंडिंग पेज क्रिएट करा है, जो लैंडिंग पेज आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका कीवर्ड है और जो आपकी एड कॉपी है, ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने कीटो कीवर्ड यूज़ करा, तो जो आपकी एड कॉपी है उसके अंदर भी कीटो टर्म या कीटो वर्ड आना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका लैंडिंग पेज है वो भी कीटो वर्ड के अराउंड होना चाहिए। अगर उसमें कीटो वर्ड आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि उनका जो कीवर्ड होता है वो किसी और चीज़ के बारे में होता है, एड कॉपी में कुछ और होता है और लैंडिंग पेज पे कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, कोशिश करनी है कि तीनों के बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंसी हो सके आपको उतनी रेलिवेंसी क्रिएट करनी है। जो फोर्थ टिप है वो ये है कि आपको यूजर का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा करने पे फोकस करना है। अब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जब भी यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद जाके वो आपके लैंडिंग पेज पर लैंड करता है, और लैंड करने के बाद क्या वो वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करता है या सीधा वो बैक बटन दबा देता है, आपके लैंडिंग पेज को बंद कर देता है, यानी कि आपका जो बाउंस रेट है लैंडिंग पेज पर वो बहुत ज्यादा है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका बाउंस रेट है आपके लैंडिंग पेज पर वो कम से कम हो, और जो यूजर का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, ताकि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे और जो भी चीज आप वहां पे चाहते हो वो परफॉर्म करे। जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपको ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करना। ब्रॉड कीवर्ड्स से मेरा मतलब ये नहीं कि आप ब्रॉड मैच टाइप के कीवर्ड्स ही यूज़ मत करो, मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी सर्वे ऑफर को प्रमोट कर रहे हो और आपने मान लीजिए मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड का यूज़ करा है, तो मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत सारे लोग उसको सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है उस पर। तो उस केस में क्या होगा, बिंग आपकी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने पर फोकस करेगा, तो उससे आपका सीपीसी इंक्रीज होगा, क्वालिटी स्कोर डिक्रीज होगा और आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करोगे। तो वहाँ पर आप ज्यादा टारगेटेड कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि पेड सर्वे का आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना, और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।